पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुरादाबाद पहुंचे जसवंत सिंह सैनी का सर्किट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी की गाड़ी सर्किट हाउस पहुंची तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी ने अपने तरीके से पुष्प गुच्छ भेंट कर तो वहीं मालाएं पहनाकर जसवंत सिंह सैनी का स्वागत किया। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष धर्मेश सैनी के द्वारा भी तलवार भेंट करके जसवंत सिंह सैनी का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने गिरीश वर्मा भी यहां पर मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भी जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए अध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि जिस तरह से सरकार के द्वारा लगातार पिछड़ों के लिए कार्य किया जा रहा है, उनकी हर समस्या के समाधान के लिए आयोग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इसी कड़ी में पिछड़ों के सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी मिली है, जिसका वो बखूबी निदान करेंगे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने गिरीश वर्मा का जन्मदिन भी था। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका केक काट कर उनका जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गिरीश वर्मा का जन्मदिन मनाया गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता संगठन की जिम्मेदारी भी निर्वहन करता है, सरकार की जिम्मेदारी भी, सरकार की जिम्मेदारी मुझे दी। और मैं आपको बता दूँ, 2 साल पहले मुझे इसी कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, चेयरमैन बनाया था, वाइस चेयरमैन था। 2 साल तक हमने सरकार की नीतियों को पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण करने के लिए जो काम थे उनको आगे बढ़ाया। और अभी भी जो जिम्मेदारी पार्टी संगठन ने मुझे दी है, सरकार ने दी है, उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम उस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। तो ये विषय उनका है, इसमें मुझे कुछ भी कहना नहीं है। जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश करेगा, पिछड़ों की अहम भागीदारी, हम भी तो पिछड़े हैं, पिछड़ों की अहम भागीदारी है, इस सरकार में सबकी अहम भागीदारी है और सबके विश्वास। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास, और 5 साल बाद सरकार चलाने के बाद सबका विश्वास जोड़ा, और आज सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को हमने अर्जित किया है, और ये विश्वास निश्चित रूप से बना रहेगा। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या ये माना जाए कि अब उनका विश्वास टूट चुका है, जो वो लोग पार्टी से अलग हो रहे? नहीं, किसी का विश्वास नहीं टूटा। निषाद पार्टी क्या है? निषाद पार्टी वो हमारे नेता बात कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वो सब उसका समाधान कर लेंगे। अच्छा, उधर ओम प्रकाश राजभर और जो घटक दल है वो भी हट गए, दूर हो गए? मैंने कहा ये सब निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, इसके लिए हमारे लोग हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका अपना निर्वहन करेगा। मेरे पास जो जिम्मेदारी है उससे संबंधित आपको बात करनी हो तो बताओ। तो सर, बंगाल की तर्ज पे वाराणसी में सपा ने नारे लिखा है 2022 में केला हुई, तो किस नजर से आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति होने वाली है? मैं बनारस जाऊंगा तब देखूंगा, अभी बनारस गया नहीं। नहीं, ये नारे लिखे हुए हैं बनारस की सरकार, जानकारी नहीं मुझे भी, मैं उधर जाऊंगा तो बताऊंगा फिर आपको आके। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यदि लिखे हुए हैं? वो हो सकता है हमारे लिए लिखे हों। किस तरह से आयोग जो है पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण करने के लिए, उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की जो योजनाएं पिछड़ों के लिए लागू हैं उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन जमीन पर हो, ये देखने के लिए आयोग का गठन किया गया। तो उसमें जो शिकायतें हमारे पास आती हैं उसमें सुनवाई भी करते हैं, उसके साथ साथ आख्या के लिए भेजते हैं, जांच मंगाते हैं, और ये जो भी संभव हो मदद करते हैं। अभी हमारे पास 2 साल में आयोग में मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी रहा हूँ, उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, तो हमारे पास 7,000 शिकायतें आयोग को मिली, 7,000 में से हमने 4,000 शिकायतों का निस्तारण कराया और बाकी की शिकायतें अभी प्रक्रिया में हैं, उनका निस्तारण करेंगे। तो किसी भी प्रकार की समस्या है, बच्चों का वजीफे का है, पीएफ का भुगतान है, किसी का इंक्रीमेंट नहीं लगा, कहीं आरक्षण की स्थिति है, ये सब काम आयोग को देखने का है। इस पर आप एक सवाल नहीं पूछ रहे, आप सरकार बनाने को मुझे। अच्छा, मुख्यतः अगर बात करें तो क्या समस्या है पिछड़ों की? देखो, कहीं पर भी समस्या क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये सरकार की मंशा है
सरकार की मंशा बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार व्यक्तिगत ऐसे निर्णय हो जाए जिनके कारण कहीं कहीं समस्या पैदा हो जाती है, उसे देखने के लिए आयोग बनाए, कहीं पर भी लोगों के हितों का मतलब हितों का कुठारा घात ना हो, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। खूब बढ़िया। अब क्योंकि जिम्मेदारी और भी मिली है आपको, क्या कोई खास रणनीति बनाई है इसके अलावा आपके द्वारा? अभी हमारा बोर्ड की पहली बैठक 12 तारीख को हमने रखी है। उस बोर्ड के हमारे माननीय गिरीश वर्मा जी भी यहाँ सदस्य बनाए, और हमारा आयोग में 28 लोग हैं, 25 सदस्य हैं, 3 उपाध्यक्ष 1 अध्यक्ष, तो सब लोग बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।